श्री राम जी महाराज की ये पावन धरा, भगवान देवदत्त महादेव की करुणा कृपा दया उदारता, कंजरी की इस पावन धरा पर आप और हमको ये पावन कथा सुनने का अवसर प्राप्त हुआ है। कोई साधारण सा विषय या साधारण सा कोई पुराण या कोई आनंद नहीं है जिसको ये कान से सुना, ये कान से निकाल दिया। ये शिव महापुराण की कथा जो जीव हृदय चित्त से धारण कर लेता है, मन से अपने भीतर उतार लेता है और जिस भावों से श्रवण करता है, वो देवाधिदेव महादेव जो लंकाधिपति रावण को सोने की लंका दे सकते हैं, भस्मासुर को अपने हाथ का कंकण दे सकते हैं, कुबेर को कुबेर पद प्रदान कर सकते हैं, इंद्र को अपनी सत्ता दे सकते हैं, भगवान नारायण को जो लक्ष्मी प्रदान कर सकते हैं, भगवान राम के लिए स्वयं समुद्र के किनारे रामेश्वर के रूप में विराजमान हो सकते हैं, जो भगवान कृष्ण के लिए नागेश्वर और सोमनाथ के रूप में विराजमान हो सकते हैं, जो संपूर्ण विश्व के कल्याण के लिए केदारेश्वर बनकर विराजमान हो सकते हैं, वो देवाधिदेव महादेव आपको भी कथा श्रवण करने वाले को भी खाली नहीं छोड़ सकते, वो भी कुछ ना कुछ आनंद दे ही सकते हैं। क्योंकि ये शिव भक्ति ही कुछ ऐसी, तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु, बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भवोत में है खजाना कुबेर का। महाराज अभी पूज्य गुरुदेव अपनी वाणी से कह रहे थे कि ये पुराण है, मतलब होता है पुराना लेखा जोखा, जो आज का नहीं है। आपको अपना पुराना अगर लेखा जोखा उठाना है, आपको अपना पुराना कुछ देखना है, तो तहसील में जाना पड़ेगा और तहसील में जाकर आप अपना पुराना इतिहास, आपके दादाजी की कितनी प्रॉपर्टी थी, कहां पर तुम्हारा मकान था, क्या नंबर था, क्या खसरा नंबर था, ये पूरा रिकॉर्ड आप तहसील में जाकर देख सकते हो, तहसील में जाकर देखा जा सकता है। पर हमारे सनातन धर्म का अगर कहीं रिकॉर्ड देखना हो, हमारे सनातन धर्म की अगर आनंदता देखना हो, तो जैसे तहसील में पुराना रिकॉर्ड देखा जाता है, उसी तरह पुराणों में भी हमारा रिकॉर्ड देखा जाता है कि हमारा आनंद कहां छुपा, हमारा सुख कहां छुपा हुआ। शिव भक्ति सारी समस्या का हल, एक लोटा जल। आप शंकर के द्वार जा रहे हो, शिव के द्वार पर पहुंच रहे हो, शंकर भगवान को एक लोटा जल समर्पित कर रहे हो, एक बेलपत्र अगर आप देवाधिदेव महादेव को चढ़, सहजता है मेरे देवाधिदेव महादेव को, तुम्हारी दौलत, तुम्हारी संपदा, तुम्हारा वैभव, तुम्हारा धन, उससे कोई मतलब नहीं। अगर दौलत से मतलब होता मेरे देवाधिदेव महादेव को, तो रावण ने भगवान शंकर से कहा था, भोलेनाथ कैलाश पे रहते रहते तुम्हें बहुत समय हो गया, अब मैं तुमको लंका लेकर जाना चाहता हूं, सोने की लंका में आप रहिए, स्वर्ण की लंका में आप विराजमान रहिए, चलिए मेरे साथ आप सोने की लंका में चलिए। भगवान जानते हैं कि ये लंकाधिपति रावण है, ये विद्वान जरूर है पर विद्यावान नहीं है। पहले भी कथा में कहा है, आज फिर कहते हैं, विद्वान और विद्यावान में अंतर होता है। हनुमान जी के आगे कहा जाता है, विद्यावान गुणी अति चातुर,
पर रावण के आगे कोई भी ये नहीं कहता कि ये विद्यावान है। रावण के आगे लोग कहते हैं ये विद्वान है, इतना विद्वान, इतना विद्वान, जिसने अपने भुजाओं के बल पर कैलाश पर्वत को उठा लिया था, जो भगवान शंकर को राजी कर लेता है, जो देवताओं को अपने वश में कर लेता है, इतना विद्वान था। पर किसी ने यह नहीं कहा कि यह विद्यावान था, क्योंकि विद्वान और विद्यावान में अंतर होता है। विद्वान अपने अहंकार में इतना फूल जाता है कि वो किसी के आगे झुकना नहीं जानता, और विद्यावान हर एक के आगे झुक कर चलता है। जैसे मेरे हनुमान जी महाराज खड़ी हर पल हर क्षण श्री राम जी महाराज के आगे झुक कर खड़े हुए हैं, प्रणाम कर कर। मेरे राम जी महाराज के आगे मेरे हनुमान जी महाराज हमेशा नम्र होकर झुक कर खड़े हैं। क्यों? क्योंकि विद्यावान गुनी अति चातुर। विद्या जिसके भीतर विद्या सही तरह से प्रवेश कर जाती है, जो ज्ञान पूर्ण तरह से आनंदित कर प्राप्त कर लेता है, वो झुकना सीख जाता है। और जो अधूरा अधूरा ज्ञान प्राप्त करता है ना, जिसको अधूरा ज्ञान प्राप्त होता है, वो अकड़ में जीता है, अहंकार में जीता, अभिमत्ता में जीता है। तो रावण विद्वान तो बन गया था पर विद्यावान नहीं बन पाया। उसका अभिमान उसके सामने बार बार अड़ जाता था। और भगवान शिव जानते हैं कि रावण मुझे लंका में लेकर जा रहा है, ये इसकी अहंकारिता है, ये इसका अभिमान है, क्योंकि मैं पहले आजमा चुका हूं। एक बार देव अधिदेव महादेव आनंद के साथ कैलाश पर्वत पर विराजमान थे। भगवान शिव आनंद के साथ जब कैलाश पर्वत पर विराजमान थे, बड़े अलमस्त होकर बैठे हुए थे। माँ जगत जननी जगदम्बा अम्बा माता पार्वती उनके नजदीक में विराजमान बैठी हुई। विशर्वा बाबा के पुत्र कुबेर भी हैं और विशर्वा बाबा के पुत्र लंकाधिपति रावण भी हैं। कुबेर के पास में पूरा लंका का राज्य था, पर कुबेर को रावण का जो व्यवहार था वो अच्छा नहीं लगता था, इसलिए कुबेर ने हाथ जोड़कर अपने पिताजी से कह दिया कि मुझे ये लंका का राज्य नहीं चाहिए, मैं ये छोड़कर जा रहा हूं, मैं अलग कोई अलकापुरी का निर्माण कर उसमें मैं विराजमान हो जाऊंगा। और कुबेर चले गए, आनंद के साथ रहने लगे। जब रावण की सत्ता लंका पर आ गई और लंका पर जब सत्ता आई, जब वैभव प्राप्त हो गया, तब रावण ने उपद्रव मचाना प्रारंभ कर दिया, क्योंकि अभिमान इतना समाया हुआ था, अहंकार इतना समाया। एक बात अपने जीवन में उतार कर रखिएगा, इंजीनियर बन जाओ, डॉक्टर बन जाओ, सीए बन जाओ, कलेक्टर बन जाओ, चाहे तुम किसी पद पर विराजमान हो जाओ, पर शिव महापुराण की कथा कहती है कि आपको पद जिस परमात्मा की कृपा से मिला है, जो यश उस परमात्मा की कृपा से मिला है, वो परमात्मा की कृपा से प्राप्त हुआ है। इसलिए पद और प्रतिष्ठा पाकर आप अहंकार में मत डूब जाना, क्योंकि अहंकार में तीन गए धन वैभव और वंश, ना मानो तो देख लो रावण कौरव और कंस, ये तीनों अहंकार में चले जाते हैं, ये तीनों अभिमत्ता में चले रहे। आप इंजीनियर बनिए मना नहीं, आप कलेक्टर बनिए मना नहीं, आप एसपी बनिए मना नहीं, आप डॉक्टर बनिए मना नहीं है, पर कहीं इतना अभिमान, इतना अहम, इतनी अहंकारिता हमारे भीतर प्रकट ना हो जाए कि जिसके बल पर हम पुनः फिर नीचे आ जाए, वो अभिमत्ता हमारे भीतर नहीं आना चाहिए। और जिस दिन हमारे भीतर वो अभिमत्ता प्रकट हो जाती है, उस दिन भगवान से दूर हो जाते हैं हम, परमात्मा से दूर। जब अमिमत्ता चली जाती है, फिर हम परमात्मा के करीब में आ जाते हैं, वापिस पुनः भगवान के पास। शिव कथा कर रही है, लंकाधिपति रावण को मालूम पड़ा, कुबेर जी को मालूम पड़ा कि लंकाधिपति रावण ने उपद्रव मचाया है, और ऐसा उपद्रव मचाया है कि पूरी तरफ हाहाकार मच गया। संतों को कष्ट देना, ब्राह्मणों को कष्ट देना, साधुओं को कष्ट देना, सन्यासियों को कष्ट देना, तपस्वियों को कष्ट देना, ये रावण ने देवताओं को कष्ट देना प्रारंभ कर दिया। तब कुबेर को मालूम पड़ा, तो कुबेर ये विचार करे मैं अपने भाई को समझाऊं तो मैं ना जाऊं, किसी दूसरे को भेज दिया। करना चाहिए, परिवार यदि टूट रहा है
राष्ट्र यदि बिखर रहा है। अभी परम पूज्य गुरुदेव ने कहा कि राष्ट्र को आपको और हमको संभालना पड़ेगा। ये पूज्य गुरुदेव अभी कहे, कोई दूसरा नहीं संभालेगा, आपको स्वयं संभालना, आपको स्वयं निभाना। संत हो, सदगुरु हो, तपस्वी हो, ब्राह्मण हो, सन्यासी हो, साधक हो, उपासक हो, वो संभाल लेते हैं। कुबेर ने लगा मन में कि ये मेरा भाई गड़बड़ कर रहा है, तो कुबेर ने तुरंत उसी समय पर अपने दूतों को भेजा और जाकर कहा कि रावण को समझा कर आओ कि ये क्या कर रहे हो, तुम इतने विद्वान होने के बाद में, इतनी विद्वत्ता तुम्हारे भीतर होने के बाद में तुमने ये क्या करना चालू कर दिया, कहीं किसी को कष्ट दे रहे हो, किसी की अग्नि को समाप्त कर रहे हो, कहीं किसी को कष्ट प्रदान कर रहे हो, ये क्या कर क्या रहे हो। विद्वान से विद्वान, बड़े प्रबल विद्वानों को, जो रावण से भी विद्वान थे, उनको भेजा गया लंका में। और लंका में जब भेजा गया, लंका में जब पहुंचे, और वो लंका पहुंचकर रावण को ज्ञान उपदेश देने लगे। अब जो बहुत ज्ञानी को समझाया जा सकता है, अज्ञानी को समझाया जा सकता है, पर अभिमानी को कभी नहीं समझाया जा सकता, ये निश्चित है। अब कोई ज्ञानवान है तो उसको समझा सकते हो, कोई अच्छा ज्ञानी व्यक्ति है, पढ़ा लिखा है, समझदार है, उसको समझाओगे, ये मत करना, आगे से ऐसा ना करिएगा, तो वो समझ जाएगा। कोई अज्ञानी है, एक बार नहीं समझेगा, दो बार में समझेगा, अज्ञानी है तो वो मुंह भी नहीं चलाएगा। हो इन्हें कह दिया मेरे को नहीं करना, तो उठ के चला गया। अज्ञानी है, उसमें अज्ञानता है, वो नहीं समझ सकता। अज्ञानी को समझा लोगे, अज्ञानी को समझा लोगे, पर जिसके भीतर अभिमान बढ़ा हुआ है, बताओ कल का छोरा हमको समझाएगा, बताओ कल की बहू आई ये मुझे ज्ञान देगी। कई कई सास उनके देती है, कल की आई है और मुझे बदलना चाहती है, कल की आई, मतलब इसके भीतर ये अभिमान भरा हुआ है, अहंकार भरा हुआ है, और ये अभिमान जब तक भरा हुआ है तब तक ये सुधर नहीं सकता। इसलिए ज्ञानी को समझाया जा सकता है, अज्ञानी को समझाया जा सकता है, पर जिसके भीतर अभिमान भरा है उसको समझा सकोगे, बोलो तो जम के जरा, समझा पाओगे, नहीं समझा सकते। आप कितना ही प्रयास करोगे समझा लो, नहीं समझा। सास कह रही है गुड़ को गरम कर उसमें तिल्ली भूंज के डाल दे, लड्डू बन जाएगा, पर बहू नहीं, मैं तो गुड़ को फोड़ूंगी, उसमें कच्ची तिल्ली बिना सीखी डाल दूंगी और ऐसे ऐसे गोल गोल करके लड्डू बना दूंगी, हो गई संक्रांति, लड्डू तैयार। अब सास कह रही है कि थोड़ा सेक ले, थोड़ा गुड़ को गरम कर ले और तिल्ली को सेक कर लड्डू बनाएगी तो अच्छा बनेगा। अब उसको तो भीतर इतना अभिमान भरा था, मैं तो सीख के आई हूं, मुझे तो सब मालूम है, और बैठी 4 घंटे तक वो रेसिपी बुक लेके, और रेसिपी बुक में जैसा लिखा था, और ऐसा जरूरी नहीं है कि कभी कभी रेसिपी बुक भी गड़बड़ कर जाती है। एक नई नवेली बहू आई और सास ने उसको कह दिया, बेटा मेरा मन कर रहा है तू एक काम कर, थोड़ी सी आइसक्रीम बना ले, मेरा मन कर रहा। बहू ने कहा, मम्मी तुम भी क्या आइसक्रीम खाना, अब भी बनाती हूं। उसने तुरंत अटैची में से रेसिपी बुक निकाली, 2 किलो दूध धीमी आंच पे रखो, गैस चालू करो, फिर धीरे धीरे उसको हिलाओ, अब वो हिलाते हिलाते उसमें बेकिंग पाउडर डालो, और क्या क्या डालता है तुम्हें मालूम होगा, इलायची का पाउडर डालो, फिर धीरे धीरे उसका पूरा रेसिपी बुक तैयार करी। अब बुक वो तैयार करा, और तैयार करने के बाद में फिर उसने पढ़ा, 1 घंटा फ्रिज में रखो। अब ये गई और करी आई, जो जो जैसा जैसा लिखा था। 2 घंटे के बाद सास ने फ्रिज खोला, और फ्रिज खोला तो बहू को आवाज लगाया, बेटा, ओ बेटा, बहू, हाँ माँ, इधर आ, ये मंदिर का घंटा फ्रिज के अंदर किसने रखा?
बहू तुरंत पल्लू लेके बोली, माँ मैंने रखा है। क्यों? बुक में लिखा था एक घंटा फ्रिज में रखो, इसमें लिखा एक घंटा। सास ने बुक को लिया और माथा से ठोका, अरे ओ पगली, वो बुक में लिखा था जो तूने घोल बनाया था उसको एक घंटा फ्रिज में रखना था, तू मंदिर का घंटा लाके फ्रिज में रख दिया। अब बताओ वो आइसक्रीम तैयार हो, वो आइसक्रीम बनेगा। तो ज्ञानी को समझा सकते हो, बोलो बोलो आगे बोलो, अज्ञानी को समझा सकते हो पर वो तो बढ़िया एकदम तन्न होकर, अब अभिमानी को नहीं समझा सकते कि साहब ये रेसिपी ऐसी बनेगी, तुम समझा उसको, समझाना मुझे। बहुत कठिन है समझाना, समझा लो। अब रावण को भी समझाने के लिए भेजा तो कुबेर ने भेजा किसको, अपने विद्वान विद्वान गुप्तचरों को भेजा कि जाकर रावण को समझाओ, वो समझे तब तो, समझ जाता तो क्या बात था, नाना समझाया, विभीषण समझाया, मंदोदरी समझाई, पर समझे तब तो। स्वयं लंकाधिपति रावण को भगवान शिव ने समझाया, पर समझे तब तो। भगवान नारायण कई बार समझा दिए, देवऋषि नारद ने समझाया, इंद्र ने समझाया, ऐसा कोई देवता नहीं था 33 कोटि देवी देवता में जिसने नारद, जिसने लंकाधिपति रावण को नहीं समझाया, सब ने समझाया। ब्रह्मा जी ने बार बार समझाया, पर समझे तब। समझ में तो आए इसको। अब कुबेर जी ने भेज दिया अपने साथियों को और सारे गुप्तचरों को बोला और बोलकर कहा, जाकर मेरे भाई को समझाना, ज्ञान देना, समझाना, मेरे को मालूम है वो रावण समझ जाएगा। जिसमें से एक बहुत विद्वान गुप्तचर था, उस गुप्तचर ने तुरंत कुबेर जी को कह दिया, आप कह रहे हो आपका भाई है समझ जाएगा, मैं जानता हूं समझ जाएगा। तो उसमें से एक गुप्तचर बोला, हम भी आपके घर का अन्न खाए हैं, हमें मालूम है वो नहीं समझ पाएगा। कुबेर जी ने कहा, ऐसा नहीं हो सकता, तुम जाओ समझाओ उसको, ज्ञान दो। ठीक है चले जाते। कई लोग कहेंगे क्या होता है शिव महापुराण की कथा सुनने से, क्या होता है शिव पुराण में जाने से, बहुत ज्ञान देंगे। क्या होता है शंकर जी को एक लोटा जल चढ़ाने से, क्या होता है बेलपत्र चढ़ाने से, क्या होता है राम नाम बोलने से, क्या होता है कृष्ण नाम बोलने से, क्या होता है शिव नाम बोलने से, क्या होता है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलने से, क्या होता है नमः शिवाय बोलने से, क्या होता है ओम नमः शिवाय बोलने से, कहीं कहीं बोलेंगे कहे। महाराज उनको एक बात जरूर कहना, भगवान की कथा सुनते सुनते, भगवान का भाव श्रवण करते करते, जिस समय कथा सुनते सुनते आपके रोम, आपके शरीर के ये रोम ये बाल खड़े हो जाएं, समझ लेना कि शिव आपके भीतर समाना प्रारंभ हो गया। अगर कथा सुनते सुनते आपके रोम उमंग से भर जाएं, कथा सुनते सुनते आपके ये बाल आपके ये रोम खड़े हो जाएं, तो समझ लेना कि तुम्हारी दुख की घड़ी में शिव खड़ा होना प्रारंभ हो गया। ये कथा तत्व है, ये रस तत्व है, ये कोई सहजता नहीं। भक्ति का बल बढ़े, भक्ति का आनंद बढ़े, भाव बढ़े, तो परमात्मा हमारे साथ खड़ा हुआ है। मैंने तेरे ही भरोसे ओ बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगे, बाबा डोर है तो छटे ना मैं घटी जावांगी, भोले मैं तेरी बदन शंभो मैं तेरी पतन, हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर है तो छड़ी ना मैं कटी जावांगी। समझाया उसको जाया जिसके भीतर अभिमान ना,
ज्ञानी होगा समझ जाएगा, ज्ञानी होगा आज नहीं समझा कल समझ जाएगा, पर अभिमानी होगा इसको कितना भी समझाया जाए ये कभी नहीं समझ सकता। कंजरी वालों पर कितनी कृपा राघव जी की हुई है, कितनी कृपा राम जी की हुई है, और माँ जगत जननी पावागढ़ वाली की कृपा की टेकरी के नीचे ये शिव महापुराण की कथा। विचार करिए जरा, और आने वाले भक्तों को कितनी कृपा माँ जगत जननी पावागढ़ वाली माँ भद्रकाली ने कृपा करी होगी जरा विचार करना। मेरा आपसे भी निवेदन है जो बहु तुमसे समझ जाए उसको समझा लो, जिसको समझा सकते हो उसे समझा, जो अभिमान में फूल गया उसको समझाने की जरूरत नहीं है क्योंकि तुम उसे समझा सकते ही नहीं हो चाहे कितना ही प्रयास करो, कितना प्रयास करोगे हो ही नहीं सकता। और जितना ये ज्ञान भी जितना जिसके भाग्य में होता है ना उतना ही उसको प्राप्त होता है, जितना जिसके भाग्य में होता है उतना ही उसको। बड़ा मुश्किल है मेरा। भगवान शिव की कथा था, कुबेर ने भेजा जरूर पर समझा नहीं पाया, रावण को कहा क्रोध आ गया, रावण ने उनकी बात सुनी पर समझने को तैयार नहीं, तलवार लेकर दोनों का शीश काट दिया, जो समझाने आए थे उन्हीं को मार दिया। हमारी भी आदत है कोई अगर समझाता है ज्ञान देता है तो हम भी शीश नहीं काटते उसकी बात काट देते, हमारी भी आदत है। पर कभी विचार करिए, कभी अपने जीवन में इस बात को उतारने का प्रयास करना कि कोई सदगुरु, कोई संत, कोई साधु, कोई सन्यासी, कोई तपस्वी, कोई साधक, कोई भगवान, कोई साधना करने वाला, भजन करने वाला, कोई घर का बुजुर्ग, वयो वृद्ध बड़ा हमको समझाता है तो हमारे नुकसान के लिए नहीं, हमको उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ाने के लिए समझाता है। हमें उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ाने के लिए समझा रहा है, अगर वो ज्ञान दे रहा है तो हमको उन्नति की ओर बढ़ाने के लिए ज्ञान दे रहा है। समझा नहीं लंकाधिपति, उठाया तलवार चल दिया कुबेर के उस अलकापुरी में और जाकर इतना उपद्रव मचाया सब को मार गिराया, पुष्पक विमान को छुड़ा लिया, कुबेर को देवताओं ने ले जाकर एक स्थान पर छुपा दिया जहां उनका उपचार हुआ, वो ठीक हो गए। अब पुष्पक विमान पर बैठकर लंकाधिपति रावण अपने मन के अनुसार चलने वाले, मन की गति से बराबर से भी तीव्र चलने वाले पुष्पक विमान पर बैठकर घूमने चल दिया। अब देखिए शिव पुराण क्या कह रही है। अब चला अच्छा ऐसा नहीं है, पुष्पक विमान पर जब वो बैठा, पुष्पक विमान पर जब वो विराजमान हुआ, पुष्पक विमान पर जब वो बैठा तो कुबेर का सिंहासन था, कुबेर की गादी थी, उस गादी पर बैठने के बाद उसकी बुद्धि थोड़ी सी कहीं ना कहीं विचलित हुई, कहीं ना कहीं उसमें विचलितता आई। बैठा वो क्यों कहते हैं तीर्थ में जाकर बैठो, क्यों कहते हैं सतगुरु के चरणारविंद में बैठो, क्यों कहते हैं कथा में जाकर बैठो, क्यों कहते हैं किसी पवित्र नदी के तट पर जाकर बैठो, क्यों कहते हैं जहां संतों ने तप करा हो, साधुओं ने तप करा हो, सन्यासियों ने तप करा हो, कहीं तपस्या साधना करी हो उस स्थान पर जाकर बैठो, क्यों कहते हैं कहीं धुपाड़ा जल रहा हो, हजारों वर्ष का सालों निकल गए उस धुनी को रमते रमते संतों को, उस धुनी के पास जाकर बैठो, क्यों कहा जाता उस स्थान पर बैठने का फल कुछ अधिक प्राप्त हो जाता। जैसे समझो एक बस का ड्राइवर
चाय पीने चला गया। काय का ड्राइवर? बोलो बोलो, जम के बोलो जरा। अच्छा और जम के बोलो। बस का ड्राइवर गया क्या पीने? चाय पीने। और कोई व्यक्ति उस ड्राइवर की सीट पर जाकर बैठ गया और उसने स्टीयरिंग पकड़कर यूं यूं हिला रहा था। इतने में तुम वहां पहुंच गए, अब तुम्हें थोड़ी ना मालूम कि ये बस का ड्राइवर नहीं है। तुमने कहा क्यों साहब, ये बस कहां जा रही है? ड्राइवर साहब, और ड्राइवर साहब, क्या ये बस कंजरी जा रही है क्या? ए ड्राइवर साहब। अब वो ड्राइवर जो स्टीयरिंग पकड़ा था वो, और जैसा वो दूल्हा नहीं होता शादी वाला कितना करता है, बस वैसा वो बस का ड्राइवर एकदम अकड़ गया। देखो मेरे को बस भी चलाना नहीं आती, केवल ड्राइवर की सीट पर बैठा और लोग कह रहे हैं क्यों ड्राइवर साहब, बस कहाँ जा रही है? कंजरी जा रही क्या? पावागढ़ जा रही क्या? मतलब उसकी वैल्यू कितनी हो गई केवल सीट पर बैठने से। अब वो विचार कर रहा है कि सीट दूसरे की है, बस दूसरे की है, मैं तो केवल सीट पर थोड़ी देर बैठा हूँ, वह चाय पीने गया, उतनी देर में मेरी इतनी इज्जत हो गई, अगर मैं बस चलाना सीख जाता तो मेरी कितनी इज्जत हो जाती। उसी तरह हमारा शास्त्र कर, उसी तरह हमारा शास्त्र कर, जब हम जरा सी देर किसी मंदिर में जाकर बैठते हैं तो लोग कहने लगते हैं क्यों पंडित जी कैसे हो? अब केवल तिलक लगाया, केवल मंदिर में बैठा, केवल मंदिर में। तुम कथा में जाकर बैठ जाओ, अभी तुम जाते जाते लोग कह देंगे श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम, जय सीताराम जी की। आवाज पकड़ रहा है भाई, जय सीताराम जी की, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, तुरंत कहने लगे। तुरंत फिर कोई से बात होगी तो कह देंगे साहब वो तो भगवान की कथा में रमी रहती है, उसको तो कथा इतनी अच्छी लगती है कि कहीं पर भी हो ना वो दौड़ के चली जाए। तो कोई कहेगा वो तो संतन हो गई रे, भगवान तो हो गई, वो तो सन्यासन हो गई, वो तो साधु हो गई। अब पद बड़ा कि नहीं बड़ा, भले तुम कथा सुनने आए, भले तुम्हें वो होता ना, वो कहे ना, एक व्यक्ति बार बार घड़ी देख रहा था, बार बार घड़ी देख रहा था, तो एक गुरुजी ने पूछ लिया कि तू घड़ी देख रहा है, तेरी घड़ी में क्या समय हो रहा है? 7:30 बज रही है। गुरुजी बोले बताओ मेरी घड़ी में तो 8 बज रही है और तेरी घड़ी में 7:30 बज रही है, तेरी घड़ी किससे मिली है? गुरुजी मैंने रेडियो से मिलाई है। मां से मिली है। अब फिर उन्होंने दूसरे से पूछा तेरी घड़ी में देख 9 बज रही है, तूने किससे मिली, कहां से मिली? कहीं नहीं, ससुराल से मिली। गुरुजी बोले ये ससुराल से तो मिली है पर मिली किससे है ये तो मालूम होना चाहिए, कि रेडियो से मिली, कि टेलीविजन से मिली, कि काय से मिली? तो कि गुरुजी कहीं से नहीं मिली, ये मेरे ससुराल से मिली, हमेशा पीछे ही चलती है, हमेशा पीछे चलती है। ससुराल की जो चीज मिले तुम ध्यान रखना इस चीज के लिए, भले अलमारी हो, वॉशिंग मशीन हो, चाहे फ्रिज हो, चाहे मिक्सर हो, मिक्सर का खटका चालू करके छोड़ दो, थोड़ी देर बाद चले फिर चलते, एकदम मिक्सर नहीं उठता। उसी तरह सास को भी अंदाजा लगा लेना चाहिए कि बहू पर एकदम प्रेशर नहीं देना, एकदम प्रेशर दिया तो ये नहीं चले। ये ससुराल से मिली है तो धीरे से चल, इसको धीरे से संभाल कर चलो। बेटा घर अपना है, परिवार अपना है, रोज इतनी रोटी बनाकर मत फेंका कर, रोज इतनी सब्जी मत फेंका कर, धीरे धीरे उसको चलाओगे तो वो चल जाएगी। और तुमने एकदम टूट पड़ी ने, एकदम बोल दिया क्या तेरे पिताजी के घर से लाई है जो इतना फेंक रही है, फिर तो पास में पावागढ़ वाली माता है नजदीक में, इतनी देर हालो लो कंजरी वालों और झाबुआ वालों, तुम इतनी देर तो करते ही नहीं हो, तुरंत प्रकट हो गई, उतनी देर में तो प्रकट तुरती देर लगेगा।
भक्ति दे रखा ना। महाराज फिर कुछ नहीं, अंबे तू जय हो पावागढ़ हालोल कंजरी हम सब शिव कथा कर रही है। लंकाधिपति रावण गादी पर जब बैठा, थोड़ी देर जब विराजमान हुआ, उस समय पर जो कुबेर का सिंहासन था उस समय पर रावण की बुद्धि थोड़ी बदली। किसी धुपाड़े के पास में धोनी रम रही हो उसके पास में, संतों के पास में, गुरुजन के पास में, मंदिर में, सत्संग में, प्रवचन में, तीर्थ में, सरयू मैया के तट पर, गंगा मैया के तट पर, यमुना मैया के तट पर, नर्मदा मैया के तट पर, कहीं तीर्थ स्थान पर, अच्छी जगह पर, जहां संत साधु सन्यासी तपस्वी साधक उपासक जहां तप करे हो उस जगह पर जाकर हम थोड़ी देर बैठते हैं तो ये पक्का है जैसे चाय पीने ड्राइवर चले गए और उसकी जगह पर बैठ गए तो लोग ड्राइवर कहने लगते हैं, उसी तरह हम जाकर बैठते हैं तो भगवान भी अपना समझने लगता है कि ये मेरा है, ये मेरा अपना है, उसको लगता है ये बैठ गया है, अब सही जगह पर जाकर बैठा है, अच्छी जगह पर बैठा है, ये मेरा होता गया है, ये मेरा हो गया। कितनी अविरल भक्ति समझाया रावण नहीं समझा, विमान पर बैठा भाई को मार कर भगाया, सारे पूरे अलकापुरी पर अपना आक्रमण कर लिया और जब पुष्पक विमान में बैठकर चला और विमान में बैठकर मन की गति से तेज चलने वाला वो विमान एक जगह पर जाकर धीमा हो जाता है, एक जगह पर जाकर स्लो हो जाता है, जब गाड़ी एक जगह पर कहीं स्पीड ब्रेकर आ गया और वहां स्लो हो गई तब समझ में आया कि मेरा विमान यहाँ धीमा क्यों हुआ, यहाँ धीमा क्यों हुआ। तो क्या देखता है लंकाधिपति रावण कि नीचे एक बड़ा साला, बहुत बड़ा सारा एक नंदी, बहुत विशाल नंदी नीचे घूम रहा है और उस नंदी के ऊपर से, मात्र नंदी के ऊपर से वो पुष्पक विमान निकल कर जा रहा है और पुष्पक विमान की गति धीमी हो गई, पुष्पक विमान की गति। रावण के साथ में जितने लोग बैठे थे उस पुष्पक विमान में सब रावण से कहने लगे, महाराज ये तो मन की गति से तेज दौड़ने वाला पुष्पक विमान है, फिर आखिर ये धीमा कैसे हो गया, ये स्लो कैसे हो गया, इसकी स्पीड कम क्यों हो गई, इसकी गति कम क्यों हो गई। रावण कहता है मुझे समझ में नहीं आ रहा, पर नीचे एक बड़ा सारा नंदी घूम रहा है, वो नंदी घूम रहा है इसलिए इसकी गति थोड़ी कम हो गई है। तो जितने बैठे थे, अब रावण इतना अहंकारी था तो उसको ज्ञान देने वाले कितने अहंकारी होंगे। चाय गरम होती है कि केटली गरम होती है, तुम लोग तो कंजरी वालों जरा सी बात में हंस देते हो, हमको लगता है कि तुम लोग कथा पक्के में अच्छे से सुन के बैठे हुए होते हो। अब तुम बताओ कि चाय गरम ज्यादा है कि केटली ज्यादा गरम है, अब उसमें तुम्हें अंदाजा हो जाएगा। हम जहाँ जयेश भाई के यहाँ रुके हैं, नाम जयेश है ना, जयेश भाई के हम जहाँ रुके हैं तो वहां पर उन्होंने वो गिलास में गरम गौ माता का दूध वगैरह ला कर दिया आरोगने के लिए ठाकुर जी के लिए, तो हमने कहा ललित महाराज को ये तो बहुत गरम है, तो इतने में ललित महाराज बोले नहीं नहीं गुरु जी दूध तो ठंडा है गिलास गरम है, नहीं दूध ठंडा है पर गिलास गरम है। अब चाय इतनी गरम नहीं है जितनी केतली गरम, उसी तरह बड़े बड़े बहुत बड़े बड़े जो बहुत ऊंचे ऊंचे मालूम पड़े बहुत बड़ा वो आनंद हुआ और मालूम पड़े तो साहब जो कुर्सी पर बैठा है वो तो बड़ा नम्र है, बड़ा तो बड़ा सहज है, बड़े सरल नेचर के हैं, बड़े सहज है, बड़े सरल है, अब उनसे मिलो तो लगे बहुत सरल बड़े सहज, पर उनके साथ जो केतली है वो बड़ी है, पास मत जाना दूर हटाओ, कैसे घुस गए कैसे पहुंच गए। इतने में जो कुर्सी पर बैठा शांति रख एक केतली थोड़ा रुक अभी रुक, चाय ठंडी है कोई बात नहीं आन दो आराम से आन दो दर्शन करने दो
भक्त हैं, भगवान के हैं, प्रिय हैं, पर कहते हट दूर हट, क्या हाल है, दूर हटो, वहां जाओ, वहां बैठो, वहां करो। कई बार इन बाउंसरों को देखकर भी हमको ऐसे ही लगता है, केतली बड़ी कर, चाय तो ठीक है अपनी जगह पर केतली बड़ी कर बड़ा। अभी हम आ रहे थे महाराज जी, तो आते आते अयोध्या वाले महाराज जी आए हैं, बहुत सटीक रहना, आके मालूम पड़ा तो महाराज जी तो ऐसे नम्र ऐसे सरल, हम भी समझ गए कि केतली गरम थी चाय। संत इतना सहज इतना सरल होता है ये देखने को मालूम पड़ता है, या संतों की सभा में संत विराजमान है या गुरुजन बैठे, इतनी नम्रता इतनी सरलता में क्या सुंदर उन्होंने अपनी वाणी से कहा है, महाराज जी दंडवत करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, आपकी सहजता आपकी सरलता। और एक थोड़े से प्रवचन में राष्ट्र उत्थान की भी बात कह देना, थोड़े से प्रवचन में आपके कल्याण की भी बात कह देना, कर देना, अमूल्यता का आनंद है ये रसतत्व। और किस्मत वाले हो, कंजित हो, भाग्यशाली हो आप जो हमारे बीच में इन पूज्य गुरुदेव का दर्शन अयोध्या से यहां चलकर हुआ है, ऐसा लगता है राम स्वयं आए, वृंदावन से कृष्ण स्वयं आए, ऐसा लगता है मेरा राघव यहां पहुंच गया, ये तत्व हमारे भीतर, ये सुख। अब उतरा सिंहासन नीचे, नीचे उतरा और सिंहासन नीचे उतरते से पुष्पक विमान पे से नंदी के सामने राम के सामने खड़ा होकर कह दिया लंकाधिपति ने, तुम कौन? नंदी कहता है, मैं नंदी। आप कहां जा रहे हो? हमें उस मार्ग पर जाना है। नहीं, उस मार्ग पर तो मेरा देव महादेव रहता है, मेरा महादेव। रावण कहते हैं कि ये महादेव रह रहे हैं, तो वो तो भस्म रमाने वाला, जटाजूट बांधने वाला, मरग छाला पहनने वाला, गले में रुद्राक्ष की माला पहनने वाला, सर्प गले में धारण करने वाला, बिच्छू पहनने वाला, एक साधारण सा, साधारण, एकदम सहज सरल साधारण, तो उसमें दिक्कत क्या है? विमान तो ऊपर से जाएगा, महादेव तो नीचे बैठे हैं, फिर से दिक्कत क्या, क्या तकलीफ? आज भी हमारे सनातन धर्म में, आज भी हमारे सनातन धर्म में भगवान का मंदिर होता है, शिवजी विराजमान होते हैं, शंकर भगवान बैठते हैं, या राम जी बैठे हैं, या भगवान कृष्ण बैठे हैं, या देवी भवानी बैठे, जो भी देवता बैठते हैं, उसका आकृति ऐसी बनाई जाती है कि उसके ऊपर कोई पांव ना रख पाए, कोई चढ़ ना पाए। लंकाधिपति रावण, तेरा विमान अगर ऊपर से जा रहा है तो उसमें श्रेष्ठता नहीं, क्योंकि मेरे महादेव बैठकर तप साधना कर रहे हैं, माँ जगजननी पार्वती के साथ मेरे महादेव बैठे हैं। रावण ने कहा, अब इसको जब कुबेर नहीं समझा पाया, देवता नहीं समझा पाए, तो इसको ये नंदी कैसे समझा देगा? नंदीश्वर ने समझाना चाह, नहीं माना, खूब समझाया, नहीं माना, खूब समझाया। नहीं माना, क्रोध आ गया। अब विद्वान हो, विद्यावान हो, विद्यावान को समझाओगे क्रोध नहीं आएगा, विद्यावान को कहोगे तो क्रोध नहीं आएगा, पर जिसमें विद्वत्ता भरी होगी, जिसमें अहंकार भरा होगा, जो अपने आप को विद्वान समझता होगा, उसको अभिमान का अहंकार का क्रोध तुरंत आ गया। रावण को क्रोध आ गया, मेरा रथ निकलेगा तो यहीं से, पुष्पक विमान निकलेगा तो यहीं से, शंकर भगवान को उठाकर मैं ले जाकर दूसरी जगह रख देता हूं, दूसरी जगह रख दूंगा। और चला रावण, लंकाधिपति चला, जहां शंकर पार्वती जी मेरे देव अधिदेव महादेव मां जगत जननी के साथ विराजमान थे, लंकाधिपति रावण ने उसी कैलाश पर्वत को हाथ में उठाना, उठाकर एक कोने में रख दूंगा और मेरा रथ मेरा विमान यहीं से निकलेगा, मेरे विमान को कोई स्लो कर दे, उसकी गति धीमी कर दे, यह हो नहीं सकता। और जो हाथ पर पर्वत को उठाया, थोड़ा सा ही उठा था, इतने में महादेव
को मालूम पड़ा कि नंदी ने समझाया पर नहीं समझा। तब मेरे महादेव ने अपने पैर का अंगूठा जैसे नीचे करा, करते से ही दोनों हाथ लंकाधिपति रावण के उसमें दब गए। रावण भी विद्वान था, जब शीश दस थे तो हाथ भी इतने थे, दूसरे लगाए। शिव जी ने कहा तू लगा ही ले, लगा दम लगा, उठे नहीं, हाथ दब गए। पर्वत के नीचे चिंगाड़ पड़ा, चीख पड़ा, भयंकर नाद करने लगा। ऐसी गर्जना करी कि जिन नारियों का गर्भ था वो वहीं गिर गया। इतना भयंकर चिल्लाया लंकाधिपति रावण, इतना भयंकर। नंदी ने देखा। वक्ता से समझ जाओ तो ठीक है, नहीं तो वक्त जब समझाएगा तो रुला रुला कर समझाएगा। इसलिए वक्ता और वक्त में अंतर है। वक्ता समझाता है तो वक्त बदल देता है, और वक्त समझाता है तो तेरी दशा बदल देता है। दोनों में अंतर है। वक्ता अगर समझाएगा और उसके कहने पर चल दिए, हाँ हमें भगवान का भजन करना है, हाँ हमें राम नाम कृष्ण नाम शिव नाम जपना है, हमें भगवान के मंदिर जाना है, एक लोटा जल चढ़ाना है, शिव को बेलपत्र चढ़ाना है, शंकर को चढ़ी हुई बेलपत्र का पान करना है, कर्णार्वित को धारण करना है, वक्ता के कहने पर चल गए तो ये निश्चित है तुम्हारा वक्त बदल जाएगा, समय बदलेगा और तुम उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ते चले जाओगे। पर तुम वक्ता से नहीं बदले। और वक्त ऐसा आएगा कि जब वक्त थप्पड़ मारता है तो रो रो कर जिंदगी नरक जैसी हो जाती है। जब वक्त थप्पड़ मारता है तो फिर रोना ही पड़ता है। इसलिए वक्ता समझाए तब तक समझना जरूरी है। आज रावण के हाथ फंसे, वक्ता मिला था श्री नंदीश्वर, नंदी जी मिले थे, वो नंदी ने समझाया। भगवान शंकर के नंदी समझा रहे, रावण समझ रहे ऊपर से मत जा, नहीं समझा, नहीं मैं तो जाऊंगा तो हाथ फंसा कर लेंगे, नहीं समझा, समझ जाता तो बात थी। कितना समझाएं लोग, कितना कहते हैं साहब समझ जाओ रे, समझ जाओ रे, समझ जाओ रे, पर नहीं समझो तो फिर आगे क्या कर सकता, नहीं समझो, समझो। अब बैठे नहीं, रावण चीख रहा है, हाथ दबा हुआ है, चिंगाड़ रहा है, चिल्ला रहा है, फिर कोई नहीं आया। तब वो नंदी जो वक्ता था, जिसने ज्ञान दिया था, समझाया था, वो नंदी आया और नंदी ने आकर कहा रावण मैंने तुझे समझाया था, तू समझता क्यों नहीं, तू क्यों नहीं समझा। अब हाथ फंसे हुए, अब कोई ज्ञान दे दिया है, अब रावण क्या कह रहा है, एक बार निकलवा दो प्लीज, एक बार ये हाथ निकल जाए। अब रावण मुख से कह रहा है मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूं, हाथ जोड़ता हूं। ये उसी में कहा ले जो भगवान कृष्ण ने, एक गोपी रोज निंदा करती थी भगवान कृष्ण की, खूब जाकर चुगली करती मैया यशोदा जी से खूब, तो यशोदा जी के सामने गई तो इतने में गोपी ने कह दिया, यशोदा जी ने भी कह दिया जिस दिन तू पकड़कर बताएगी मैं मान जाऊंगी, तो सखी ने भी कह दिया मैं नहीं पकड़ के बताऊं तो मेरा नाम गोपी नहीं। इतने में भगवान कृष्ण ने भी आकर कह दिया पकड़ के बता दे अब तू, और ऊपर छीका टंगा था, नीचे मनसुका लगा था, श्री रामा मधुसूदन दाऊ, ऊपर कन्हैया, मटकी टूटने वाली थी, नीचे जो मनसुका लगा था उसको छींक आ रही थी। अब हाथ थे घुटने पर, एक के ऊपर एक चढ़े थे, हाथ खुला होता तो नाक दबा लेता तो छींक बंद हो जाती, पर हाथ भी ऐसे तो नीचे से यूं यूं मचल रहा, और ऊपर कन्हैया चढ़े थे और मटकी टूटने वाली थी, इतनी देर में नीचे से छींक दिए, जो छीके सब नीचे टपक गए। अब पूरे ग्वाल वालों में कन्हैया सबसे छोटे थे, क्योंकि इनकी उम्र वालों को तो सबको पूतना ने मार दिया था, जितने भी स्तनपान करने वाले थे सबको मार दिया था, कन्हैया सबसे छोटे थे, बाकी के सबकी उम्र बड़ी थी। अब जब चोरी करने जाते थे मक्खन की, तो कन्हैया को तो इनको
टोकना पड़ता था, उठाना पड़ता था। जैसे पहले इनको किसी के यहाँ जाना है तो इनको पहले दो अंदर जाओ, फिर इनको खिड़की में रखो, फिर अंदर वाले इनको नीचे उतारें, फिर बाकी के अंदर जाएं। तो सबसे छोटे थे, अब ये सांप और सबसे छोटे को ऊपर चढ़ाया जाता जिससे वजन नहीं लगे, और चढ़ गए और जोर गिरे नीचे। अब उस समय कन्हैया को बोलना भी नहीं आता था इतना। अब सब भाग के यमुना जी के घाट पर पहुंच गए। अब यमुना जी के घाट पर पहुंचे इतने में कन्हैया ने उसी समय पर पूछ लिया, कौन चीता? अब बोलना तो आ नहीं जाता, थोड़ी तोतरी तोतरी भाषा थी, कौन छीका की जगह बोला कौन चीता। अब हो जाता है कभी कभी वाणी का थोड़ा थोड़ा सा वो हो जाता है। एक वो कहते ना थानेदार जो था, एक पुलिस वाले ने रात को किसी को रोड पे रोक लिया, आधी रात का समय, क्या है तेरे बैग में? बताते हैं। क्या है तेरे बैग में? बताते हैं ना। अरे तो बैग में क्या है? बताते हैं ना। इतने में वो पुलिस वाले से रोज भिड़ रहा रात को, पुलिस वाला उसको पकड़ के थाने ले गया। सर, साहब ने पूछा कौन है ये? सर इसके बैग में कुछ है और बता नहीं रहा। कुर्सी पे बैठे हुए टीआई साहब ने पूछा क्या है तेरे बैग में? बताते हैं ना। अरे तेरे बैग में क्या है? बताते हैं ना। इतने में टीआई साहब को गुस्सा आ गया, उन्होंने हवलदार को बुलाया, खोल इसका बैग। उसने जो बैग खोला उसमें से बतासे निकले, जो बतासे निकले। टीआई साहब बोले इसमें तो बतासे। तो बोला मैं तो तब से बोला बताते हैं बताते हैं बताते हैं बताते हैं। इतने में टीआई बोला इसकी जीवानी गड़बड़े, छोड़िए वापिस छोड़ो, बाकी छोड़ो, एक ही बात में लगा है, बताते बताते। अब कन्हैया ने भी कह दिया कौन छीता? कोई नहीं बोला। तब मनसुखा बोला मैं छीका, तुझे भी टाइम पे छीतना था, पकड़ा जाते तो। अब पकड़ाई में आता भी तो कौन, ये तो बड़े बड़े पांव से भाग जाते तो अकेला कन्हैया पकड़ाई में आता था। अब इतने में मनसुखा ने कागे से गलती नहीं होगी, दाऊ दादा बोले अब तू बता कन्हैया क्या करे? कुछ नहीं, इसने गलती करी है, इसको 108 बार चिताओ। अब इसको 108 बार चिताए कैसे? तो के नंद बाबा ऐसी कपास की बाती बनाते थे और पलंग पे बैठकर खटिया पे बैठ के नाक में डालते थे और छींकते थे, ऐसे चिताओ। अब मनसुखा की नाक में जो बाती दिया मनसुखा छीके, 10-20 बार छींक लिया। मनसुखा के बाप की सुगंध खाऊं, कभी नहीं छींकूंगा, अब नहीं छीकू कभी। अब गोपी कहे, अब जब हाथ फंस गया लंकाधिपति का, अब कह रहा है कि मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूं। तो नंदी ने मन में सोचा, इतनी देर से मैं समझा रहा था, समझ नहीं पा रहा था, अब हाथ फंस गए तब समझ में आ रहा, और हाथ भी दब गए तब कह रहा है कि मैं तुम्हें प्रणाम करता हूं, मैं तुम्हें नमन करता हूं, मैं तुम्हें दंडवत करता हूं, अब कह रहा है। हाथ फंसने, हम जब पूरी तरह से फंस जाते हैं, बुरी तरह से फंस जाते, तब फिर हमको याद आता है कि हमें भगवान की शरणागति में जाना है। आखिरी में अंत शिव तत्व ही ऐसा होता है, जब हम कष्ट में घिर जाए, तकलीफ में घिर जाए, तब हमें परमात्मा शिव कथा करते, शंकर का गुणगान करता है, तेरी कृपा बिना नहीं ले एक भी अनु, लेते हैं सांस तेरी कृपा से तनो तनो, बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भगवत में खजाना कुबेर का। क्या मिलता है? अब उन्होंने बड़ोदरा की कथा श्रवण करी, वहां निर्णय लिया, बाबा ने स्वीकार किया, पावागढ़ की कथा में आ गए। आपसे भी निवेदन है, 7 दिन की कथा है, परिवार वालों को, घर वालों को, रिश्तेदारों को, नातेदारों को, सबको कह दो 7 दिन मुझे पंडाल में बैठकर कथा सुनना है, मेरे बाबा से लगन लगाना है, मुझे उसका हो जाना है, वो मेरा हो जाए, बस यही एक आग्रह। सुनो मैं कथा, अब क्या देगा? हाथ दबा है रावण का,
और रावण नंदी से कह रहा है मुझसे गलती हो गई, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूं। नंदी ने फिर कहा हाथ जोड़ने से होगा क्या, हाथ पर दवा है कैलाश के नीचे, होगा क्या? लोग कहते हैं जब सारे सहारे समाप्त तो हो जाते हैं तब लोग कहते हैं मेरा अंतिम विश्वास मेरा भगवान है। बोल बम का नारा है, जम के बोलो जरा, बाबा एक सहारा है, एक सहारा। आपका विश्वास, आपकी दृढ़ता, ये छोटे से कस्बे में ये शिव महापुराण की कथा जरा विचार करिए। जो भूतों ना भविष्य थे कभी सोचा ही नहीं होगा कंजरी वालों ने, हालोल वालों ने कभी नहीं सोचा होगा कि कथा हमारे क्षेत्र में हो जाएगी, पर भगवान ने ये मौका दिया है। तो इस मौके में जब गेंद आई है तो ऐसा चौका लगा लो कि ग्राउंड के बाहर, ऐसा चौका लगा लिया, मौका दे भगवान तो भजन का ऐसा चौका लगाओ, ऐसी भक्ति का चौका लगाओ कि भगवान भी कहे कि ये मेरा आनंद सुख पा रहा। हाथ दब गया लंकाधिपति का, रावण का हाथ दबा, चीख रहा है, चिल्ला रहा है, पर वो निकल नहीं रहा। नंदी से कहा, नंदी मुझसे गलती हो गई, मैं तेरे हाथ जोड़ता हूं, क्षमा मांगता हूं। नंदी कहते हैं मुझसे क्षमा मांग कर क्या करोगे, मुझसे क्षमा मांग कर क्या करोगे। गलती वक्ता कभी नहीं कहेगा कि आप मुझसे क्षमा मांगो, वक्ता कहता है कि आप शिव की शरणागति में जाइए। जो वक्ता तुमसे कहे कि तुम मेरे पास में आओ, मेरे पास बैठो, मेरे करीब में आइए, मेरे नजदीक में आइए, मेरे पास आकर बैठिए, वो श्रेष्ठ नहीं हो सकता। वक्ता जो तुमको ले जाकर भगवान के दरवाजे तक छोड़ दे और कहे कि ये तेरा दुख मिटा देगा, समझ लेना वो श्रेष्ठ, उसमें श्रेष्ठ। करो भजन, हाथ दबा लंकाधिपति रावण का। नंदी कह रहा है मैंने तुझे समझाया, तू समझा नहीं। जब वक्ता से नहीं समझ सकता तो वक्त समझाता, और जब हाथ दब गया पहले ही समझ जाता कि इस रथ को, इस पुष्पक विमान को लेकर यहां से नहीं जाता, रास्ता बदल लेता तो चल जाता। पर तूने अकड़ करी, अहंकार करा, अभिमान करा कि जाऊंगा तो इसके ऊपर से जाऊंगा, बस तो फिर हाथ फंसा, अब निकाल ले। नहीं बोला नंदी जी भी नहीं बोले, शंकर भगवान ने इशारा कर दिया नंदी को, तू बोल नहीं मत, दबे रहन दे इसको, दबे रहन दे। जब अभिमान वाला व्यक्ति जब किसी जगह पर दबता है तो सारी दुनिया के लोग उसका आनंद लेते हैं। दबे रंग अच्छा है, खूब अकड़ रहा था, खूब अहंकार में था, खूब अभिमत्ता में था, दबे रंग। महादेव उस समय पर नंदीश्वर से कहा तू रुक, इसका अभिमान तोड़ना जरूरी है, जब तक इसका अभिमान नहीं टूटेगा तब तक ये मेरा नहीं होगा, मुझे मेरा बनाने के लिए अभिमान का त्याग करवाना जरूरी है। और महाराज हाथ जब दबा रहा, चिंगारता रहा, तब रोता रोता भगवान शिव की स्तुति अब करने लगा, अब स्तुति शंकर की कर रहा। शीश पे गंगा है, गले में रुद्राक्ष माला है, शेषनाग सर्प तुम्हारे कालिया गले में पड़ा हुआ है, हे शिव करुणा करिए, हम तो आपके हैं, हम जान नहीं सकते, हमसे गलती हो गई, क्षमा कर दो। तब देवाधिदेव महादेव ने पांव के अंगूठे को ऊपर करा, तब रावण का हाथ बाहर निकला। निकलते से रावण बाहर निकलते से ही शंकर जी से बोला तुम्हें क्या चाहिए। अब तुम्हें क्या चाहिए, एक ऋषि। वशिष्ठ बाबा ने दशरथ जी महाराज से कहा कि पुत्र कामेष्टि यज्ञ करवा संतान की प्राप्ति के लिए। आप जरा विचार करिएगा, यज्ञ कराया किसने था, कौन से ऋषि थे? श्रृंगी ऋषि, जिन्होंने यज्ञ करवाया। तो श्रृंगी बाबा, अब जरा विचार करो, पूरे पृथ्वी पर, पूरे नगर में, अवध में
चारों तरफ सूचना करी गई कि दशरथ जी को पुत्र कामेष्टि यज्ञ करवाना है, दशरथ जी को पुत्र कामेष्टि यज्ञ करवाना है, दशरथ जी को पुत्र कामेष्टि यज्ञ करवाना है। एक एक विद्वान के पास में सूचना गई कि दशरथ जी को पुत्र कामेष्टि यज्ञ करवाना है। यह यज्ञ कोई साधारण व्यक्ति नहीं करवा सकता, यह यज्ञ कोई साधारण सा इंसान नहीं करा सकता। इस यज्ञ को कराने वाला वो होगा जो यज्ञ कराएगा, जिस भूमि पर यज्ञ होगा उस भूमि को जो कराने वाला यज्ञ करता है वो उस भूमि को जीवन पर्यंत छोड़कर नहीं जा सकता। जीवन पर्यंत जब तक उसके प्राण ना जाएं तब तक वो भूमि को नहीं छोड़ सकता। ऐसा विद्वान कोई मिलना चाहिए जो दशरथ जी के पुत्र कामेष्टि यज्ञ को करवाए। बड़े बड़े विद्वानों के पास सूचना पहुंची, बहुत विद्वानों के पास सूचना पहुंची, पर सब ने मना कर दिया, हम पुत्र कामेष्टि यज्ञ नहीं करवा सकते, हम करवाएंगे तो हमको वहां रहना पड़ेगा। जीवन पर्यंत यज्ञ कर्ता को जीवन पर्यंत उस भूमि पर रहना पड़ेगा, पांव बाहर नहीं निकाल सकता, उसी जगह पर रहना पड़ेगा। कहां जाऊं? कोई ने हां नहीं भरी कि हम पुत्र कामेष्टि यज्ञ करवाएं। तब गुरु बाबा ने कह दिया, आप जाओ गंगा के तट पर, बड़े आनंद से वहां श्रृंगी बाबा मिलेंगे और श्रृंगी ऋषि पुत्र कामेष्टि यज्ञ करवाएंगे, उनसे बात करो, बोलो उनको, कहो उनको, करो विनती। श्रृंगी बाबा के पास में सूचना गई, पर यज्ञ के लिए भूमि वो चुनी जाए, पुत्र कामेष्टि यज्ञ के लिए वो भूमि चुनी जाए जिस भूमि को श्रृंगी बाबा को दिया जाए और श्रृंगी बाबा उस भूमि पर जीवन पर्यंत रहे। श्रृंगी बाबा ने कहा, मैं अपनी भूमि को छोड़कर नहीं जा सकता, अगर यज्ञ करूंगा तो इस श्रृंगरपुर में करूंगा, इसी जगह पर करूंगा। जहां अयोध्या की आखिरी सीमा है, अवध की आखिरी सीमा, अवध की आखिरी सीमा, उस अवध की आखिरी सीमा जहां है वहां पर बैठकर श्रृंगी बाबा पुत्र कामेष्टि यज्ञ करवाते हैं। तो दशरथ जी ने श्रृंगी बाबा से प्रश्न कर लिया, गुरुदेव मैंने इस यज्ञ के बारे में सुना है, जो यज्ञ कराएगा वो यहीं पर रह जाएगा, यज्ञ कर्ता को यहां रहना पड़ेगा, बाहर नहीं निकल सकता, एक पांव बाहर नहीं कर सकता, जितनी भूमि पर यज्ञ होगा वो भूमि उसकी हो जाएगी और वहीं उसको रहना पड़ेगा, उसी जगह पर। पहले ये नियम था सनातन धर्म में, आजकल तो वो नियम समाप्त तो हो गया। पहले जिस भूमि पर यज्ञ होता था वो भूमि यज्ञकर्ता की हो जाती थी, पहले ऐसा नियम था, उस भूमि पर जहां यज्ञ हो रहा है वो भूमि उसकी। अब वो नियम चला गया। ऋषि श्रृंगी बाबा ने कहा, अगर मेरे यज्ञ करवाने से, अगर मेरे यज्ञ करवाने से बैकुंठ अधिपति नारायण पृथ्वी पर आ जाए तो इससे बढ़कर खुशी क्या होगी मेरे लिए, इससे बढ़कर आनंद क्या होगा, क्या आनंद होगा। अगर ये शिव महापुराण की कथा सुनकर 50 लोगों में से अगर 10 का भी अगर आनंद हो जाए और 10 का भी जीवन सवर जाए तो उससे बढ़कर शिव महापुराण की कोई दक्षिणा नहीं हो सकती, कोई आनंद नहीं हो सकता, सवर जाए। अगर इन संतों के आने से, इन साधुओं के आने से, गुरुजनों के आने से, अगर इनके दर्शन से, इनके प्रवचन से, इनके शब्द से 5 भी अगर सवर जाए तो उससे बढ़कर कोई सुख नहीं हो सकता, उससे बढ़कर कोई आनंद नहीं हो सकता। करो भजन, करो भक्ति, करो स्मरण। दूसरा प्रश्न फिर दशरथ जी ने करा श्रृंगी बाबा से, गुरुदेव आप यज्ञ करा रहे हो, आप यज्ञ करता हो, इस यज्ञ को करने में कितना समय लग जाएगा, इस यज्ञ का समय कितना है। तब गुरु जी ने कहा, श्रृंगी बाबा बोले, जब भक्ति करने बैठो, भजन करने बैठो, स्मरण करने बैठो, कीर्तन करने बैठो या दान करने के लिए बैठो, तब समय मत देखो, घड़ी मत देखो और कीमत मत देखो कि दान की गई वस्तु कितने की थी, उसकी कीमत का नहीं देखो, घड़ी नहीं देखो, समय नहीं देखना। भगवान के भजन करने का समय नहीं देखा जाता, माला जपने का समय नहीं देखा जाता, ठाकुर जी के श्रृंगार का समय नहीं देखा जाता, भगवान के दर्शन का समय नहीं देखा जाता, कथा श्रवण करने का समय नहीं देखा जाता, संत सदगुरु की शरणागति में जाने का समय नहीं देखा जाता। क्यों? इनके लिए समय की सीमा क्यों नहीं होती? क्योंकि मौत का भी कोई समय नहीं होता कि किस समय पर मृत्यु आएगी। अगर आपने
घड़ी देख ली कथा सुनने के समय पर, आपने घड़ी देख ली दान करते समय पर, आपने घड़ी देख ली मंदिर जाते समय पर, आपने घड़ी देख ली दर्शन करते समय पर, तो मृत्यु के समय पर भी आप क्या घड़ी देखोगे? नहीं, अभी 9:45 बजा है, नहीं मरूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए, घड़ी नहीं हो। बस एक है वो मेरे परमात्मा की शरणागति, केवल एक। और अंत समय प्रभु, बोलो सब, बोलो सबको याद है, हाँ बोलो जरा जम से, अंत समय वचन दिया तो निभाना पड़ेगा, आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीला, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा, अंत समय कोई आए ना आए, परिवार कुटुंब कबीला नाते रिश्ते कौन आया ना आया, आप जरूर आता है। वैकुंठ में रहने वाला वैकुंठ में रहता है, ब्रह्मलोक में रहने वाला ब्रह्मलोक में रहता है, इंद्रलोक में रहने वाला इंद्रलोक में रहता है, और मेरा देव अधिदेव महादेव मृत्यु लोक में रहता है। इसलिए तुरंत आता है, तुरंत क्षण भर की देरी नहीं करता, आ जाए। आया शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का संवाद कर रहा है, शिव महापुराण की कथा कर रही है, वेद व्यास जी महाराज वर्णन कर रहे हैं, लंकाधिपति रावण हाथ छूटा, छूटते से महादेव से बोले क्या देऊं मैं आपको, मेरा हाथ छूट गया है। शिव जी कहते हैं कुछ मत दे दादा, कुछ मत। कोई कोई ऐसा होता है जो देने के बाद कभी नहीं कहता कि मैंने इसको दिया, और कोई कोई ऐसा होता है जो देने के बाद 25 बार कह देता है मैंने दिया। जैसे पहले कथा में कहा, एक व्यक्ति जा रहा था ससुराल, उसका दोस्त रास्ते में मिल गया, उसने दोस्त से मन में सोचा अकेला गाड़ी में जा रहा हूं, इसी को बिठा के ले जाओ, उसको बिठा के ले। उसने कहा मेरे पास कपड़े नहीं है, तू क्या चिंता करता है, कुर्ता तो अच्छा लग रहा है, शर्ट अच्छी लग रही है, पजामा मैं दे दूंगा। उसने अपना पजामा दे दिया। अब पजामा दिया ससुराल में, वो दोस्त भी गया, सबने आदर करा, सम्मान करा, चाय पिलाई, सब कुछ करा। फिर किसी ने पूछ लिया ससुर जी ने, ये कौन है? मेरा दोस्त है, रोड पे खड़ा था, मैं अकेला आ रहा था, फ्री थी गाड़ी, मैंने कहा तू चल चल, कुर्ता इसी का है, पजामा मेरा है। अब दोस्त को बुरा लग गया, बता ये बताना कोई जरूरी है कि पजामा तेरा है? इसने तुरंत कोनी मार के कहा अकल नहीं तेरे में, पजामा तेरा है, इसलिए नहीं आ रहा था तेरे साथ में, तुझे बहुत अहंकार है ना, तू बार बार अपनी चीज बताता रहता, इसलिए नहीं आ रहा था, अब नहीं बताऊंगा, कसम से अब नहीं बोलूंगा। इतने में इसके जमाई साहब के मामा जी ने कहा हमारे यहाँ शाम को भोजन करने आना, वहां चले गए। वहां भोजन करने गए तो मामा जी ने पूछ लिया जमाई साहब ये कौन है? मेरा दोस्त है, अकेला आ रहा था गाड़ी में तो इनको बिठा लाया, कुर्ता भी इनका है, पजामा भी इनका है। अब तो उसको और तेज मिर्ची लगी, अब और क्रोध में आ गया, इसने फिर कोनी मार के कहा अकल नहीं है तेरे में। मामा जी ने पूछ लिया मतलब कुर्ता भी इनका है पजामा भी इनका, मतलब इतने में उसने कहा कुछ नहीं, कुर्ता इन्हीं का था पजामा मेरा। अब इसको फिर गुस्सा आ गया, इसने कहा तुझे ये बताना जरूरी था कि कुर्ता भी मेरा पजामा भी मेरा। अब आगे से बोला है तो सोच लेना, मैं तो जा रहा, नहीं नहीं अभी मत जा अपन चल। इतने में मौसी आ गई, मौसी ने कहा जमाई साहब कल सवेरे का भोजन हमारे यहाँ, ठीक है जमाई भोजन करने का है, इसी को भी ले गए। इतने में मौसी जी ने पूछ लिया ये कौन? अकेला आ रहा था गाड़ी खाली थी, दोस्त है रोड पे खड़ा था, मैंने कच्चल बिठा कर लिया आया, पजामे का कोई जिक्र नहीं करूंगा।
अब इसको फिर गुस्सा आ गया। अब इसने बाहर निकल के इसको पकड़कर पजामा उतार के दे दिया, ले तू तेरा तेरा पजामा तू ही धर ले। जब देखो जब पजामा 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 होता है, कई लोग एक डब्बा तेल देते हैं, कितना तेल, एक डब्बा घी दिया, एक डब्बा तेल का दिया, और 50 बार कहते हैं बूंदी मैंने बनवाई है, बूंदी मैंने बनवाई है, बूंदी मैंने बनवाई है। जब तक वो बूंदी पूरी खत्म नहीं हो जाए तब तक वो बूंदी बनी रहती है। एक डब्बा घी, एक डब्बा तेल और एक महीना बूंदी, एक महीना बूंदी चलती है। हम गए थे राम मंदिर, हमने बूंदी बनवाई थी, एक डब्बा घी दिया था। अब राम जी महाराज की कृपा, इतने में राम जी के पंडित जी ने कह दिया तुम्हारा डब्बा तुम ही ले जाओ। क्या करे वो पजामे का, कहना जरूरी है कि पजामा हमारा है, पजामा हमारा। रावण ने कहा प्रभु मेरा मन कर रहा है आपको कुछ देने का, मेरा हाथ छूट गया, बोलो क्या दूं। देवाधिदेव महादेव ने कहा नहीं चाहिए तेरे से दादा, मैं सब समझता हूं, तू एक बार देगा 50 बार कहेगा। कई कई लोग रहते हैं एक फोन पे काम कर देते हैं पर 50 काम तुमसे करवा लेते हैं। बहुत संभल के रहना, दुनिया वालों से बहुत चतुर है, महाविद्वान बहुत चतुर। कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, रावण चला गया। अब एक दिन रावण गया और रावण जाने के बाद रावण की विद्वत्ता देखिए, उसका उसका विचार करिएगा जरा, रावण की विद्या विद्वत्ता का। रावण ने विचार करा कि मैं क्यों ना, जब महादेव ने मेरा हाथ छोड़ दिया तो मैं महादेव को लंका लिया, सोने की लंका में सुखी रहेंगे भगवान। भगवान से कहा मैं तुम्हें सोने की लंका में रखना चाहता हूं, आप चलो मेरे साथ में। भगवान शंकर ने मन में सोचा इसके यहां जाना और आफत मोल लेना, नहीं जाऊंगा चाहे कुछ भी हो जाए इसके यहां तो नहीं जाऊंगा। ये भी तप में लीन हो गया, मुझे महादेव को ले जाना है, मुझे देवाधिदेव महादेव को ले जाना है, मुझे शंकर जी को ले जाना है, ये भी तप में लीन हो गया। ऐसी तप साधना, ऐसी तप साधना, ऐसी तप साधना लंकाधिपति रावण ने करी, ऐसी तप साधना करी कि महादेव को प्रसन्न होना पड़ा। क्या चाहिए आपको, लंका लेकर जाना है। शंकर भगवान ने अपना शिवलिंग प्रकट करा, लेकर चल, पर सुन ले रावण जहां तूने भूमि पर रख दिया उठने वाला नहीं, मानना तो वाला है ही नहीं था, दे दिया शिवलिंग। रावण लेकर शिवलिंग को चला, चलते चलते बीच में समय आ गया, रावण को संध्या करना थी। इसने सोचा करूं क्या, रावण ने देखा शिवलिंग, शंकर भगवान ने भेज दिया गणेश जी को, बेटा अपने पिता के थोड़े से काम आ जाओ, जरा जाओ। रावण शिवलिंग को नीचे रखने लगे तो तू गोदी में ले लेना। गणेश जी छोटे से बच्चे का रूप रख कर गए, रावण के पास पहुंच गए। रावण बड़े बेचैन दिख रहे हो, क्या लेकर जा रहे हो? शिवलिंग लेकर जा रहा हूं। क्या करना है? मुझे संध्या करना है। संध्या करना है? हाँ, तो शिवलिंग कहाँ रखूं? बच्चे ने कह दिया मुझे दे जाओ, आके मुझसे ले लेना, आप सामान लोगे। आओ, रावण ने शिवलिंग गणेश जी के हाथ में दे दिया। रावण संध्या करने चले गए, गणेश जी तो गणेश जी थे, उन्होंने उस शिवलिंग को नीचे ही रख दिया। और गणेश जी ने नीचे रखकर जल चढ़ाना प्रारंभ कर दिया। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। रावण आए तो उन्होंने देखा ये तो नीचे रख के पूजन कर रहा है। छोरा, क्या बोलते गुजराती में, डीकरा, गणेश जी ने पूछ लिया केम छो, कोई पूछे तो पूछा क्या हुआ, क्या है, कैसे हो, क्या हुआ है? ये नीचे क्यों रख दिया? रावण क्रोध में लाल, गणेश जी बोले बहुत भारी थे। रावण बोला एकदम हल्के थे, काय के भारी थे? इतने में गणेश जी बोले हाथ दबे थे तब मालूम नहीं पड़े थे, हाथ दबे थे तब हल्के दिख रहे थे कि भारी दिख रहे थे? रावण बोला ये तो अपने पहले का भी जानता है, छोरा कोई हल्का फुल्का नहीं है। रावण ने पूछ लिया तुम्हारे पिताजी का नाम क्या है? डीकरा बोला, सिग्नेचर तुम्हारे हाथ पे करके दिया ऑटोग्राफ, वो मेरे बाप
मेरे ही पिता है जिन्होंने ऑटोग्राफ करके दिए, मेरे पिता हैं। रावण बोला तुम कौन? गणेश जी ने अपना असली स्वरूप दिखाया, जो दिखाया लंकाधिपति रावण को क्रोध आया तो गणेश जी महाराज तो उसी समय पर थोड़े से पीछे सरके, और पीछे से सरकते ही गणेश जी के पांव के नीचे से मूसक निकल कर बाहर आ गया, चूहा निकल कर बाहर आया। जैसे ही मूसक निकल कर आया, इतने में तुरंत उसी समय पर लंकाधिपति रावण ने पूछा ये कौन है? भगवान गणेश जी महाराज ने कहा ये मूसक है जिसके ऊपर बैठ कर मैं घूमता हूं। तो रावण ने पूछा तुम कहना क्या चाहते हो? गणेश जी महाराज बोले पिताजी नहीं जा सकते तो क्या हुआ, मैं तैयार हूं लंका जाने के लिए, मुझे ले चलो, पर अकेला नहीं जाऊंगा, ये मूसक भी मेरे साथ जाएगा। रावण बोला तेरे हाथ जोड़ू पूरी लंका का सोना कतर कतर के खजाओगे, नहीं ले जाऊंगा, जो शिवलिंग भूमि पर रखा वो वैद्यनाथ बाबा के नाम से विख्यात हो गया। बोल वैद्यनाथ भगवान की, हर हर। आवाज नहीं आई जरा दमदारी से बोला हर हर। वैद्यनाथ जी के रूप में विराजमान हो गया। आगे जो कथा कही वेदव्यास जी महाराज ने, देवराज नाम का ब्राह्मण जो चोरी का धन लेकर एक मंदिर में पहुंच गया और शिवलिंग की सुंदर शिव पुराण की कथा को सुनकर उसने अपने चित्त को शंकर में लमा लिया, भगवान देवाधिदेव महादेव में रमा लिया। ऐसा देवराज नाम का ब्राह्मण था, प्राण त्यागे बेलपत्री के वृक्ष के नीचे त्यागे शिव के धाम चले गया। आगे जो वर्णन आता है बिंदुग की कथा कही गई। एक बिंदुग नाम का ब्राह्मण चोरी का धन ला रहा था, एक पानी के स्रोत में गिर गया, प्राण छूट। तीन तरह से मरे हुए व्यक्ति को मोक्ष नहीं है, पानी में डूब कर मरा हुआ, स्त्री के हाथ से मरा हुआ, सर्प के डसे से मरा हुआ, तीन तरह से मरा हुआ व्यक्ति को बैकुंठ नहीं मिलता, मोक्ष नहीं मिलता। तब बिंदुक पानी में डूब कर मरा तो विचार आया कि कैसे इसको मुक्ति मिलेगी। तब उसका अंतिम संस्कार तो हुआ पर वो प्रेत योनि में भटकता रहा, क्या करा जाए। चंचुला देवी ने काशी में जाकर शिव महापुराण की कथा को श्रवण किया, मुक्ति हुई, शंकर भगवान के धाम में पहुंची, माता पार्वती जी की सहेली चंचुला देवी बन गई। चंचुला देवी जब सहेली बन गई, मौन रहती थी, चुप रहती थी, विचार करती रहती। पार्वती जी ने पूछा तू चुप क्यों रहती है, मौन क्यों रहती है? कहा मेरे पति को मोक्ष नहीं मिला। तो तेरे पति के मोक्ष नहीं हुआ तो शिव महापुराण की कथा करवा जिससे तेरे पति को मोक्ष मिलेगा। किससे करवाऊं? देव ऋषि नारद के पास पहुंची तो नारद जी ने कहा मुझे श्राप लगा है, मैं एक जगह नहीं रह सकता, तुम रुका जी से जाकर निवेदन करा। तब तुम रुका जी ने कहा कथा तो कह दूंगा मना नहीं, पर जोड़े से यजमान कौन बैठेगा? चंचुला देवी कहती है मैं विधवा, मेरा वैधव्यता है, मैं यजमान पद कैसे लूं? जानकर देव अधिदेव महादेव से प्रार्थना करी, शिव जी ईश्वर जी बने, पार्वती जी गौरा जी बनी, ईश्वर जी और गौरा जी बनकर, गणा और गौर बनकर शंकर पार्वती पधार रहे हैं। जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें शिव पार्वती का। ईश्वर जी और गौरा जी के रूप में देव अधिदेव महादेव भगवान शिव आनंद के साथ पधार रहे हैं। बोल काशी विश्वनाथ भगवान की। भगवान ईश्वर जी गोरा जी बनकर विराजित हुए, सुंदर शिव महापुराण कथा के यजमान बनकर कथा श्रवण करने के लिए जाते हैं। ऐसा सुंदर चरित्र शिव महापुराण का आनंद करते हुए वेदव्यास जी वर्णन करते हैं। यजमान परिवार आकर ईश्वर जी और गोरा जी का पूजन करेंगे, भाव और भक्ति के साथ में भगवान शंकर का आनंद करेंगे। अब आज कथा का प्रथम दिवस सुंदर कंजरी हालोल पावागढ़ की पावन धरा पर, ये पावागढ़ के 6 किलोमीटर दूरी पर ये पावन शिव महापुराण की कथा हो रही है। आप सब अधिक से अधिक संख्या में कथा का रस तत्व ग्रहण कर अपने जीवन को धन्य बनाएं। श्री राम शिव महापुराण की कथा आस्था चैनल पर जितने श्रोता भाई बहन कथा सुन रहे हैं, फेसबुक यूट्यूब पर श्रवण कर रहे हैं, अपने जीवन को सार्थक कर रहे हैं, परम पूज्य गुरुदेव का सुंदर आशीर्वाद, अयोध्या से पधारे और सभी संत वृंदों का हमें आशीर्वाद प्राप्त हुआ।